हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्केटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ज़रूरत है स्केटिंग कैसे हम लोग सीखना है, तो मैं आपको बट पहले तो दोनों हैंड से करना है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको क्योंकि एक हाथ मेरा बिजी है फ़ोन पकड़ने में, तो मैं आपको दिखा दूँगी, कोई वो नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप लोग को कुछ इस तरह का गेट चाहिए जिसमें ये थोड़ी सी लाइन्स बनी रहे हों, देख सकते हैं। तो हम लोग को बट अभी तो हम लोग चिकने फ्लोर पे करेंगे, बाद में मैं जब दूसरी वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको रोड पे करूंगी। सबसे पहले आपको दोनों हैंड देना है, मेरा एक हैंड बिजी है तो अभी वो स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको दोनों हैंड से इसको प्रॉपरली आधे घंटे तक आपको इसको यूज़ करना है दोनों हैंड से। और अभी आप लोग का ये वाला स्केट्स चलेगा, ओके। को दोनों हैंड से प्रैक्टिस करनी है टोटल आधे घंटे तक। उधर से इधर आना है और इधर से उधर जाना, ओके। तो चलते हैं अब हम लोग के दूसरे। फिर उसके बाद एक हाथ से हम लोग को छोड़ के बस एक हाथ से यूज़ करना है ताकि हो जाए, ओके, आधे घंटे तक, टोटल एक घंटा। तो हम लोग उसके बाद ना दोनों हाथ से एक बार छोड़ने के चलते हैं। तो आप लोग को सबसे पहली चीज़ कैसे चलना है ये बताते हैं। सबसे पहले आपको ये वाला पैर जो है आगे की तरफ करना है ऐसे, उसके बाद फिर दूसरा वाला पैर ये आगे की तरफ करना है, फिर ऐसे ही आपको करना है, मतलब ऐसे चलना है। तो आपको ये थोड़ा सा चलना आ जाएगा, इस पर बैलेंसिंग भी आ जाएगी, ओके। अभी मुझे आता है बट मैं आप लोग को बता रही हूँ कैसे इसको करना है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको दिखाती हूँ, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ओके। तो बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको लास्ट में इसको बहुत ही तेज़ी से, इतनी तेज़ी से कि नहीं, मतलब आपको थोड़ी सी स्पीड में ही करना है ये ये ये। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले हल्की सी तेज़ी में आपको जब बैलेंसिंग आ जाए प्रॉपरली, तो आपको सबसे पहले बैलेंसिंग पर ध्यान देना है और ये वाला पैर आपको थोड़ा तेज़ करना है, मतलब हल्का सा तेज़ी में। फिर आपको ये और ये, जैसे मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई है कि ऐसे ऐसे चलना है, वैसे ही आपको सेम चलना है बट आपको कुछ अलग तरीके से चलना है, ऐसे तेज, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब उसी की तरह जो मैंने आपको धीमा वाला सिखाया था उसी की तरह आप लोग को करना है, ओके। चलते हम लोग अपना दूसरा स्टेप सीखते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने जैसा कि देखा कि मैंने थोड़ा सा आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे किया, बाद में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग किसी चीज़ पे ऊपर और नीचे कैसे करेंगे, ऊपर नीचे कैसे करेंगे, ओके, और बिना कोई चीज़ पकड़े। सबसे पहले आपको पकड़ के यूज़ करना है, ओके। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये थोड़ा सा मेरा ऊंचा है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आपको एक साइड में बैठना है, ओके। उसके बाद एक पैर आपको रखना है, फिर दूसरा पैर रखना है, ये समझ रहे होंगे, ये बहुत इजी है। फिर आपको ऐसे उतरना चढ़ना है, ओके। फिर ये और ऊँची थोड़ा सा है तो इसको पकड़ के हम लोग ट्राई करते हैं, इसको हटा देते हैं, ओके। इसको हम लोग ने अब पकड़ लिया है, अब हम लोग इससे पकड़ के कोशिश करते हैं चलने की। हम लोग चढ़ लिए, अब हम लोग उतरने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग एक बार ट्राई करेंगे कि कैसे इसमें हम लोग आराम से पैर चढ़ा सकते हैं। पहले तो आपको हल्का सा पैर उठाना है, फिर आपको बैलेंसिंग करते हुए और हल्का सा पैर उठाना है,
फिर आपको आगे बढ़ा के उस जमीन पे रखना है। फिर आपको दूसरे में ऐसे हल्का ऊंचा उठाना है। आपको फिर दिखाती हूँ उतरने के लिए, देखिए क्या यूज़ होता है। आपको थोड़ा सा ये टेढ़ा करना है, ओके, ये वाला। सबसे पहले आप ये वाला पैर उतारेंगे, ओके। पहले आपको ये वाला पैर टेढ़ा करके नीचे ज़मीन पे रखना है, फिर दूसरा पैर आराम से आपका आ जाएगा। चलते हैं थोड़ा ऊंचा, पूरा ऊंचा ज़मीन पे। अब इसको हम लोग देखते हैं कितना ऊंचा उठाना है, ओके ओके। तो यहाँ पे हम लोग का इतना स्टेप पूरा हो चुका है। अब हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आपकी बैलेंसिंग होती है तो आपको सबसे पहले, जब आप स्केटिंग चला रहे हो यहाँ से वहाँ तक, ओके, सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना रहता है। आपको सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना रहता है। सबसे पहले आपको ये यूज़ करना है जैसे मैंने सिखाया था, और उसके बाद आपको चलते चलते कुछ इस तरह से करना है। एक पैर से नहीं कि ऐसे ऐसे करना है, बट हम लोग देखिए पहले इस तरह से चलते हैं, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। और जहाँ भी आपको फील हो थोड़ा धीरे हो जा रहा है, फिर वहीं पे यूज़ कर लीजिए, ओके। बताओ ये वाली, ओके। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि ये कैसे हो रहा है, तो बट आपको एक चीज़ सिखा दे रही हूँ टर्न करने के लिए क्या होता है। टर्न आपको करना है तो सबसे पहले आपको ना ऐसे करना होगा, आपको शैडो दिख रही होगी, पुष्पा बनना होगा, है ना। टर्न करने के लिए ऐसे, फिर ऐसे हल्का सा आपका जो पैर है इसको ऐसे घुमा देना है, ओके, ऐसे हल्का सा ऐसे, और अपनी और जो अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से घुमा देना है, जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ओके। थोड़ा मोड़ रही हूँ, ओके। तो आपको अपना पैर थोड़ा इधर करना है और अपनी बॉडी थोड़ी झुका लेनी है। जिस साइड आपको पहली बार मुड़ना है उस साइड आपको बॉडी झुकानी है, ओके। तो अब हम लोग बताते हैं कि कैसे इसमें ये किया जाए कि हम लोग चल सके इस पे, जैसे हम लोग नॉर्मली चलते हैं। तो आपको पहले वाली ट्रिक यूज़ करनी है। ऐसे आपको दोनों हाथ से सबसे पहले एक पैर से करना है, फिर लास्ट में आपको छोड़ देना है, ये नहीं कि एक हाथ से, लास्ट में आपको छोड़ के धीरे धीरे चलना है, फिर आप चल सकते हो, ओके। यहाँ पे जैसे मैं चल रही हूँ, बस आपको आधे घंटे तक, उसके बाद ऐसे। लेकिन हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, आपको मैंने कई ट्रिक बता दी हैं, तो ये एक लास्ट ट्रिक बता देती हूँ आपको। इसमें दौड़ना भी रहता है, तो हम लोग दोनों हाथ को पकड़ के दौड़ेंगे, उसके बाद दोनों हाथ को छोड़ के दौड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं जिस तरीके से दौड़ रही हूँ, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, तुरंत ऐसा मत सोचिएगा कि ये रुक जाएगा और भी चलेगा। ऐसे आप दौड़ रहे हैं, मान लीजिए मैं ही दौड़ रही हूँ, फिर ये चल रहा है, आपको ये नहीं कि तुरंत ही इसको रख देना है। आज के लिए इतनी स्केटिंग काफ़ी थी। आपको अगर ये वाली स्केटिंग लेनी, अगर आपको ये वाली स्केटिंग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय फ्रेंड्स।